यहाँ पर डिस्कस करेंगे अस्थाई इसको जो टेस्ट नंबर 12 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 12 इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पार्ट वन में आपके करीब 84 क्वेश्चन वहाँ पे कवर कर लिए थे मैंने, राइट। तो यहाँ से 85 नंबर क्वेश्चन से इसको देख लेंगे, ठीक है। 85 से आपका 150 नंबर तक क्वेश्चन तक देख लेंगे। उसके बाद फिर कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 13, ठीक है। तो वहाँ पर टेस्ट नंबर 13 को डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन से, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के संदर्भ में सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। फिलू जो पोर्टल है जल संसाधन विभाग, ये क्या है, ये बिहार के संदर्भ में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ये क्या है, 6 मई को क्या बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पटना के जो श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में, इसमें राजकीय माध्यमिक उच्च शिक्षा जो आपका माध्यमिक विद्यालय है उसमें फिलो पोर्टल का जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किया था, राइट। इस पोर्टल को क्या है, विद्यालयों में जो आपके अध्ययनरत हैं मतलब 9वीं कक्षा से लेकर क्या 12वीं कक्षा तक के जो 45 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर यह शुरू किया गया है, राइट। ऊर्जा विभाग का यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें फिलो पोर्टल होगा, फिलो पोर्टल यहाँ पर इसका नहीं होगा, नहीं सुमेलित है। ये जल संसाधन का नहीं है, ये आपका क्या है जो शिक्षा से संबंधित है उसके लिए होगा, ठीक है। तो 86 का आपका 85 का बी हो जाएगा यहाँ पर। 86 देखते हैं, वर्तमान में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से असत्य है, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी गलत है, ठीक है, डी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 86 का डी, राइट। जो आपका पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन, ठीक है, ये होगा इसका। अगला देखते हैं 87, परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया जो आंकड़े हैं उसके अगस्त 2023 के अनुसार ई चालान राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर पहुंच गया है, राइट। तो बिहार पहुंच गया आपका 5वें स्थान पर, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर है उस पर गांधी मैदान में पटना में कितने विभागों की झांकी यहाँ पर निकाली जाएगी, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 88 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी, 12, ठीक है। अगला क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तीर्थ क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। तो किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 89 का सी, कहाँ पर, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर, बिहार में हालिया आयोजित जो आपका महोत्सव है उनमें से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका 90 हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, थावे फेस्टिवल गया, ठीक है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन, जो आपका थावे फेस्टिवल है ये गोपालगंज में पर्यटक विभाग द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, ना कि आपका गया। अगला क्या, 91, बिहार के सरकार द्वारा मुख्यमंत्री साइकिल योजना को किस देश ने अपनाया है, ठीक है, किस देश ने अपनाया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जाम्बिया, ठीक है, ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का कचरा मुक्त शहर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, तो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुपौल, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री 2023 में बिहार के सम्मानित कौन से यहाँ पर कौन सम्मिलित यहाँ पर हैं, ठीक है, कौन यहाँ पर सही सम्मिलित हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी को पद्म जो श्री यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाग, ठीक है, देवबरनाग का जो लेख है शाहपुर पटना एवं मंदार का जो बांका से प्राप्त लिखो में से जानकारी मिलती है, किस युग की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर, अंग महाजनपद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, अंग महाजनपद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, 95 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से हमारा डी स्टेटमेंट क्या होगा, असत्य होगा, कि मगध के शासक जो आपका वह द्रथ ने अंग को पूरी तरह से क्या मगध में मिला लिया था, ये क्या है स्टेटमेंट आपका, ये गलत होगा, असत्य कथन है ये। अगला क्या, 96, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए, शेरशाह द्वारा में से कौन से कार्य नहीं किए गए, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 96 का सी, इबादत खाना का निर्माण, ठीक है। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन है, सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपना राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 97 का ए, ठीक है, रीवा के राजा। 98 नंबर है, बिहार के सारण नामक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चलाया गया था, ये चलाया गया था आपका श्री गिरीश
तिवारी, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 खनिज और उसके जिले के हिसाब से यहाँ पर का जोड़े को मैच करने कौन यहाँ पर सुमेलित होगा, ठीक है, तो 99 का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का क्या होगा, कैमूर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन से GI टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन से बिहार के संदर्भ में कौन सा GI टैग यहाँ पर उत्पाद नहीं है इनमें से, तो बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, क्या, गया का तिलकुट, ठीक है, ये इसका ये प्राप्त उत्पाद यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो 100 का इसका हो जाएगा डी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को। 101 क्वेश्चन, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है, बिहार के जो मुख्यमंत्रियों के सही क्रम यहाँ पर क्या है, तो आपको ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगवत झा, आजाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार, ठीक है, तो ये आपका सही क्रम होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा लड़कियों का शिक्षा सुधार के लिए योजना शुरू की गई, कौन सी योजना शुरू यहाँ पर शुरू की गई है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 102 का डी, उपयुक्त में सभी योजना यहाँ पर क्या शुरू की गई है, ठीक है। अगला क्या, 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर आपका 103 का हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या सभी बातें क्या है इसके ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पर ये सही बता रहा है। 104, बिहार राज्य में सड़कों की लंबाई वर्ष 2019-20 के संदर्भ में कौन सी कथन गलत है इनमें से, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मुख्य जिला मार्ग 18,272.60 किलोमीटर, ये इसका क्या स्टेटमेंट गलत है, राइट। 105 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से तीन सबसे जो समृद्ध जिले हैं उसका सही क्रम क्या है यहाँ पर, ठीक है, बिहार के जो तीन समृद्ध जिले हैं क्या सही इसका क्रम है, इसका सही क्रम आपको हो जाएगा पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है, तो आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर, बिहार के कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या है, तकनीक पर जोर, ठीक है, दूसरा तकनीक पर जोर, ये स्टेटमेंट क्या है इनमें से गलत है, ठीक है, दूसरा होगा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर होगा, ना कि क्या है इसकी तकनीकों पर जोर होगा, ये गलत होगा। अगला क्या, 107 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये भी सही नहीं पूछा इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका 107 का हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर मतलब यहाँ पे ए इसका गलत आंसर होगा, सही नहीं है, ए इसका सही नहीं होगा, ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा, आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, राइट। 108 नंबर क्वेश्चन है, समानता मुद्रास्फीति होती है जब, मुद्रास्फीति होती है जब क्या, समय समय के साथ आपका कीमतों में समान वृद्धि होती है, तो बी इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला क्या, 109 नंबर क्वेश्चन, GST के मामले में राज्यों के दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस प्रकार या किस आधार वर्ष के अनुसार यहाँ पर इसको दिया जाए, ठीक है, तो 109 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014-15, ठीक है, जो आपका WPI होता है वो 2011-12 होता है। अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन को। 110 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका 110 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये इसका गलत स्टेटमेंट है, इस आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक जो सलाहकार हैं पीयूष गोयल के नेतृत्व में तैयार किया गया था, ये गलत है, ठीक है। अगला क्या, 111, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य का प्रमुख भागीदार जिसके साथ भारत सर्वाधिक निर्यात करता था उसका सही क्रम क्या है इनमें से, ठीक है, तो इसका सही क्रम आपका हो जाएगा अमेरिका, UAE, नीदरलैंड, चीन, तो ए इसका 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनका सही क्रम ये होगा ए। 112 नंबर, वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत का GDP वृद्धि दर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, सही बात बता रहा है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर आपका सही होगा 1 और 2, ठीक है, NSO और आपका IMF, UNCTAD ये गलत है आपका, तो आपका 1-2 यहाँ पर सही होगा, तो बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न घाटे के अनुमान के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है, तो आपका गलत होगा प्रभावी राजस्व घाटा कितना 2.8%, ये सी यहाँ से इसका गलत स्टेटमेंट होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा सी, और सी ही गलत होगा आपका, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है इसमें, असत्य कथन पूछा है, ठीक है। अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन, विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसमें भी गलत क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर का आंसर हो जाएगा अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में यहाँ पर क्या है कॉमर्स, ठीक है,
जो अविकसित क्षेत्र हैं निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, ठीक है। तो सी डी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी इसका गलत आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनियों जो कंपनियां हैं उसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है आपका, बी का आपका कौन सा, नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है, ठीक है, और जो आपका मिनी रत्न कंपनी की संख्या 74, ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। 115 का आपका बी यहाँ से गलत हो जाएगा, तो बी इसका इनकरेक्ट होगा, मतलब गलत आंसर होगा, तो बी होगा यहाँ। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सुमेलित है, ठीक है, कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट क्या है, सही सुमेलित है। मांग वक्र आपका गिफिन वस्तु में, तटस्थ वक्र आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन घटती सीमांत दर, फिलिस वक्र आपका हो जाएगा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों में बीच संबंध, ठीक है, तो तीनों सही है। 117 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, ये जारी की जाती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, IMF, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 118, 118 इसका जो मैंने बोला था इंटरनेशनल मॉनेटरी वो कोर्स होगा ना, तो इसका मतलब होगा इसमें, इसका इंग्लिश में देख लेता हूँ, इसको जो क्वेश्चन रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, ठीक है, IMF, राइट। अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, GST के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, GST के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है 118 में। तो ये देखो GST का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका इसका 5 साल पूरा हो चुका है GST का, तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका 18 का हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत है, GST परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, ये इसका गलत आंसर होगा, कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। अगला क्या 119 नंबर क्वेश्चन, उद्योग 4.0 में विभिन्न प्रकार के नवीनतम जो प्रौद्योगिकी हैं उसको प्रयुक्त किया जा रहा है, इनमें से शामिल हैं, इनमें से शामिल है, इनमें क्या शामिल है, आपको ये बताना है कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्या है, शामिल हैं इसमें, जो 4.0 उद्योग है उसमें, ठीक है। अगला क्या 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया, इनमें से कौन सा अपनाया नहीं गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये नहीं अपनाया गया, बाकी तीनों ये अपनाए गए। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो दृष्टि सरकार है, ठीक है, उसमें भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषता ये नहीं है। तो 121 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृष्टि, ठीक है। अगला क्या 122, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इनमें से कौन सा अधिकार शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या इसमें से शामिल है 19 में, ठीक है। अगला क्या 123 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ, ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2 और 4, चुनाव के संबंधित प्रावधान और आपके मौलिक अधिकार, पहला और तीसरा यहाँ पर इसका गलत होगा, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 124 क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो 124 का आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और आपका 3, चौथी बात जो है वह रीट अधिकार क्या है, ये रीट अधिकार से लागू किए जाने योग्य है, ये गलत है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, चौथा जहाँ जाओ वो काट देंगे, तो आपका 1, 2, 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ये क्या है, ये कथन आप इसका सही नहीं होगा, राइट। अगला देखते हैं 126वां नंबर, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर कुछ है कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 126 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, ठीक है, स्पीकर सही था, आपको याद रखना स्पीकर इसमें ऐड होगा। 127 क्वेश्चन है, उच्च पदाधिकारियों के वेतन के लिए असत्य है, क्या असत्य है इनमें से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितना 2.5 लाख रुपए, ठीक है, ये क्या है असत्य है इसका। 128 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया मुख्य न्यायाधीश का 2.80 होगा, ठीक है, 2.5 नहीं होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21 धर्म का अधिकार, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता होती है, न कि धर्म की स्वतंत्रता। अगला क्या 129, यहाँ पे अनुसूची दी है उसके बारे में सुमेल इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं करती है, कौन सी सुमेलित नहीं है 129 में ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 129 का हो जाएगा डी, अनुसूची 11 नगर पालिका, ठीक है, ये गलत है, अनुसूची 11 जो आपकी पंचायतों की शक्तियों का अधिकार देती है, राइट। अगला क्या है 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? ये किया जाता है आपका लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राइट? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 है, 3 घंटियों एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा वे क्रमशः इतने इतने समय के बाद बजती हैं, तो कितने समय बाद तीनों एक साथ बजेंगे, ठीक है? तो 131 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131, ठीक है? डी का 0.5 सेकंड। अगला क्या है, देखो मैथ के जितने क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर ठीक लगा दूंगा क्या क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है? तो 132 का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 रुपये, ठीक है? 133 का क्वेश्चन देखते हैं, 133 में आपका आंसर होगा ए नंबर 11/4, ठीक है? अगला देखते हैं 134 में होगा आपका जो आंसर रहेगा, 134 में आपका होगा बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? 134 का बी 21%, 135 का आपका डी करेक्ट आंसर होगा 17,966, 136 का आपका डी करेक्ट होगा विभा, ठीक है? देखो जितने भी आपको रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन बता रहे हैं ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? 137 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 137 का सी करेक्ट होगा यहाँ से, 137 का सी, 138 का बी करेक्ट होगा, कौन सा 138 का बी, 139 का कौन सा लुप्त पद है वो बताना है, तो 139 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? 990 और 140 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? 140 का इसमें पूछा है भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, ठीक है? आरोही क्रम क्या है, इसका सही क्रम होगा आपका 141 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? बी क्या है, 3-4-3-1-2, ठीक है? 141 का बी 4-3-1-2। अगला क्या है 142, क्वेश्चन है भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य के इंगित करता है इसमें, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। 143 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है 143 में, ठीक है? तो कौन सुमेलित नहीं है, बेतिया जल विद्युत परियोजना महानंदा नदी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपकी सुमेलित हैं। अगला क्या 144 नंबर क्वेश्चन, 144 क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए क्या और युगरत युग्म का चयन करना है, कौन सा युग यहाँ पर गलत है आपको ये बताना है 144 में, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं है, ठीक है? मानस आपका असम में है, ठीक है? तो ये आपका मैच गलत मैच कर रहे हैं। अगला क्या है 145, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है? तो 145 का डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, क्या डी, ओनली दो, केवल दो इसका क्या होगा आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सही कथन का विचार करना था। 146 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, राइट? कौन सा सही नहीं है 146 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 146 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 146 का सी, सेल लंबे समय तक अपने जो मूल रूप है उसमें रहती हैं और क्या परिवर्तन से गुजरती रहती हैं। 147 पवन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है 147 में, 147 का आपका यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल दो और तीन जो पहला है वो क्या है गलत स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर सही के बारे में पूछना है कौन सा सही होगा, ठीक है? तो दो और तीन आपका सही होगा। 148 देखते हैं, 148 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्तिक द्वीप नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका 148 को हो जाएगा डी, जो आपका क्यूसू द्वीप है जापान, ये आपका प्रवाल भित्तिक द्वीप यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आपका 148 का हो जाएगा डी, ठीक है? अगला देखते हैं 149, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना, जो यहाँ पर सही युग्म नहीं है उसको भी बताना है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका 149 का हो जाएगा बी, कौन सा आपका एंटवर्प होगा नीदरलैंड, ये आपका क्या होगा असंगत युग्म, ये संगत युग्म यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? तो इसका होगा देखो 149 बंदर का समुद्री सुविधा होता है जिसमें एक या एक से अधिक यहाँ पर जहाज यहाँ पर शामिल होते हैं, तो इसका देखो जो आपका लिखा है एंटवर्प, ये आपका बेल्जियम होगा, ठीक है? एंटवर्प बेल्जियम होगा, ना कि आपका नीदरलैंड। अगला क्या 150, भूमध्य सागरी जो आपकी कृषि संदर्भ हैं इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य विकल्प का यहाँ पर चयन करना, जो गलत विकल्प वो बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 150 का बी, बी क्या स्टेटमेंट गलत है, ये केवल भूमध्य सागरी जो क्षेत्र है भूमध्य सागर उसमें यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है? तो ये क्या है असत्य कथन है, ठीक है? तो यहाँ से इस टाइप से आपके पूरे 150 क्वेश्चन पूरे होगा टेस्ट 12 के, राइट? मैं टेस्ट 13 भी इसका लेके आऊँगा, वो भी आपको दो पार्ट में टेस्ट 13 भी करा दूंगा, राइट? तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो जो कुछ इसमें आंसर लोग बता रहे हैं कुछ आंसर इसका गलत है, तो जिसके हिसाब से देखो आंसर उन्होंने जो आंसर यहाँ पे अस्थाई इसने यहाँ पर जो आंसर निकाले हैं अपने पब्लिश किए हैं उसके हिसाब से मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से आंसर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जो भी आंसर उन्होंने पब्लिश किए मैं उसके हिसाब से आंसर आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो कोई डाउट होता है तो आप आंसर कुछ डिस्कस करना है तो नीचे आप कमेंट में बोल सकते हैं, और अपना एक बार क्वेश्चन अगर कुछ डाउट आपको लगता है तो आप एक बार गूगल करके भी आंसर अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।